हेलो एवरीवन, सो स्वागतम है आपका मेरे इस चैनल योगा द फिटनेस पे। मैं प्रगति शर्मा, आपकी स्वास्थ्य चिंतिका। आज हम लोग करेंगे एक जबरदस्त स्ट्रेचिंग योगा, पिजन पोज, जो कि हमारे हिप ओपनर के लिए बहुत अच्छा है। हमारे हिप को बहुत अच्छे से स्ट्रेच करता है और हिप के टाइटनेस को कम करता है। और सबसे अच्छी बात, ये हमारे पूरे बैक को, हमारे हैमिस को, हमारे हैंड को बहुत अच्छे से स्ट्रेच करता है। तो देर किस बात की है, चलिए अपने दिन का एक शुरुआत फ्रेशनेस के साथ करें। लेट्स डू इट। एक्चुअली वी आर कम ऑन टू आर ऑल फोर्स। तो इस तरह से अपने ऑल फोर्स पे आ जाइए एंड रिलैक्स। तो सबसे पहले, जो कि मैं अपने हर वीडियो में आप लोग से कहती हूँ कि योगा करने से पहले थोड़ा स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो पैर को इस तरह से स्ट्रेच कीजिए। वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है योगा से पहले, जिससे आपका योगा अच्छे से हो। तो इस तरह से पैर को चेस्ट के पास, फिर ऊपर की ओर, चेस्ट के पास, फिर ऊपर की ओर स्ट्रेचिंग कर लेंगे तो आपका योगा अच्छे से होगा। योगा अच्छे से होगा तो आपको अच्छा लगेगा, और आपको अच्छा लगेगा तो आपका दिन अच्छा जाएगा। तो सोचिए स्ट्रेचिंग के इतने फ़ायदे हैं तो योगा के कितने फ़ायदे होंगे। तो चलिए, नाउ वी आर शिफ्टिंग इन पिजन पोज। तो अब अपने राइट लेग को ऊपर उठाइए, एक गहरी सांस लेते हुए, देन एक्सहेल करते हुए अपने दोनों हाथों के बीच में इस तरह से आगे की ओर, और लेफ्ट लेग को स्लोली स्लोली पीछे की ओर ट्विस्ट कीजिए। स्लोली स्लोली, टेक योर टाइम एंड रिलैक्स। अब धीरे धीरे करके अपने राइट लेग को अपने रिस्ट के पास लेके जाइए, जहाँ तक आप पॉसिबल है, जहाँ तक आपका बॉडी कंफर्टेबल है वहीं तक रहिए। एक्स्ट्रा प्रेशर मत दीजिएगा बॉडी को। तो इस तरह से आगे की ओर लिफ्ट कीजिए अपने पैर को। ध्यान रखिए आपका पैर इस तरह से मुड़े ना, अगर मुड़ रहा है तो इस तरह से स्ट्रेट रखिए। अन्नी के पास अगर दर्द हो रहा है तो आप ब्लैंकेट या चादर का यूज़ कर सकते हैं। और बॉडी को बैलेंस करने के लिए अपने हाथ का पूरा सहारा लीजिए। ध्यान रखिएगा पेल्विक एरिया के साथ आपके मैट के बीच थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रहे। अपने हाथ का पूरा सहारा लीजिए, बॉडी को स्ट्रेट करने की कोशिश कीजिए, और इस पोजीशन में कुछ समय के लिए बने रहिए। टेक अ नॉर्मल ब्रीथिंग, या फिर इस तरह से अपने हाथों को मुट्ठी बनाकर इस तरह से अपने रिस्ट को, सॉरी अपने हेड को इस तरह से रेस्ट करने के लिए छोड़ सकते हैं। टेक अ नॉर्मल ब्रीथिंग, कुछ सेकेंड के लिए इस पोजिशन में बने रहिए, रिलैक्स कीजिए। सब टेंशन को कुछ समय के लिए भूल जाइए एंड रिलैक्स, ओनली रिलैक्स। टेक अ नॉर्मल ब्रीथिंग, या फिर आप इसी पोजिशन में कुछ समय के लिए बने रहिए। डिसबैलेंस हो रहा है इस तरह से, कोई बात नहीं है, फिर से इस पोजिशन में आने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपसे होने लगेगा। इस पोजीशन में बने रहिए और जहाँ स्ट्रेचिंग हो रहा है उसे महसूस कीजिए। आफ्टर अ फ्यू सेकेंड वी आर शिफ्टिंग इन डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। इससे पहले वाले वीडियो में डाउनवर्ड फेसिंग डॉग किस तरह से करना है मैंने बताया, और इसे क्या क्या फ़ायदे ये भी बताया। तो प्लीज़ ज़रूर जाइए और मेरे उस वीडियो को देखिए। नाउ कम इनटू डाउनवर्ड फेसिंग डॉग एंड टेक अ नॉर्मल ब्रीदिंग। और अगर दर्द हो रहा है तो इस तरह से अपने पैर को इस तरह से थोड़ा थोड़ा देर में मोड़ सकते हैं, देन रिलैक्स। पिजन पोज एक बहुत अच्छा स्ट्रेचिंग योगा है, जो आपके बॉडी को बहुत अच्छे से स्ट्रेच करता है। तो इसे घर पे कीजिए और इस योगा को एंजॉय कीजिए। और मेरा ये वीडियो आपको किसी तरह से भी आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और खुश रहिए, हेल्दी रहिए, योगा करते रहिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए नमस्ते।